छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, मां बमलेश्वरी का दरबार हुआ और भव्य। 2.5 किलो सोने से सजाया गया मंदिर का गर्भगृह, राजस्थानी कलाकृतियों का हुआ उपयोग। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुप्रसिद्ध धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी देवी के मंदिर के गर्भगृह को सोने से राजस्थानी कला से सुसज्जित किया गया। गर्भगृह को 2.5 किलो सोने से सजाया गया है। इसके चलते इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ बमलेश्वरी का दरबार बेहद भव्य नजर आएगा। माँ बमलेश्वरी देवी का दरबार सोने से सुसज्जित। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित माता का दरबार सोने से सुसज्जित किया गया। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिले सोने का उपयोग किया है। ट्रस्टी संजीव गोमास्ता के मुताबिक, माँ बमलेश्वरी मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण पत्तलों से सुसज्जित करने का कार्य राजस्थान के जयपुर से 10 कारीगरों की ओर से संपन्न किया गया है। इसमें करीब 2.5 किलो सोना के पत्तल चढ़ाए गए और एम्ब्यूजिंग आकृति को उभार देने के लिए इम्पोर्टेंट सेरेमिक कोटेड पेंट का उपयोग किया गया। ये पूरा कार्य लगभग 16 दिनों में पूर्ण किया गया। कारीगरों को भी लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान माँ बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति की ओर से किया जाएगा। कलाकृतियों के निर्माण के लिए राजस्थानी कला का उपयोग किया गया है। इस कलाकृतियों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के ऐतिहासिक भवनों में साज सज्जा के लिए किया गया है। यह मंदिर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां स्थापित मंदिर में मां बमलेश्वरी विराजी हैं। यहां साल में 2 बार चैत व क्वान में नवरात्रि पर लगने वाले मेले में करीब 20 लाख भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सामान्य दिनों में भी हजारों श्रद्धालु माई के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। देश के अलावा विदेशों से भी भक्त माँ बमलेश्वरी मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। माँ बमलेश्वरी शक्तिपीठ का इतिहास 2200 वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में डोंगरगढ़ वैभवशाली कामाख्या नगरी के रूप में जाना जाता था। माँ बमलेश्वरी को राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन के एक प्रतापी राजा थे। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचुरी काल का पाया है।